और मुख्यमंत्री जी आप संवैधानिक पद में हो के खुले सेशन में आप जिस तरह से जिस शब्द को महिला सोच नहीं सकती उस शब्द को आप खुलेआम बोल रहे हैं, ये माफी का मांगने से भी वो छोटी हो जाएगी क्या? उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अगर ऐसा है मानसिक स्थिति बिगड़ गई है तो झारखंड के रांची में रीन पास एक पागलखाना है जो विश्व प्रसिद्ध है और इस रीन पास में उनका समुचित इलाज का व्यवस्था है। देखिए ऐसी बिल्कुल नहीं है और माफ़ी मांग लेने से ही जो उन्होंने एक तरह से महिलाओं का मानसिक बलात्कार किया है वह नहीं धुलेगा, उन्हें तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि सही चीज़ है लेकिन सदन में हम वो बातें नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते और आज पूरे देश की महिलाएं जिस तरह से शर्मसार हो रही हैं और जिस तरह से उन्होंने नंगा कर दिया है और इस तरह का भद्र उन्होंने तो विधानसभा में इस तरह की बात करके खुली छूट दे दी है कि आप चौक चौराहा पर लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा गंदी बात करने का। एकदम इतना शर्मिंदा है इस तरह के मुख्यमंत्री का जवाब से कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं है लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसा सीएम बिहार जैसे जगह पे इस महिला शक्तियों का विरोध करती है, महिला शक्ति को शर्मसार करती है, ऐसा छी है ऐसा मुख्यमंत्री। भाषा का ही चयन से हम लोग को आपत्ति है, उनके सोच में उनकी मानसिकता जो है वो उसमें झलक रही है कि नहीं, मतलब कि बहुत तरीके वो बता सकते थे, बहुत उदाहरण वो दे सकते थे कि हम पढ़े लिखे वाला उनका व्यवहार ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे इंसान जैसा उनका व्यवहार ही नहीं है, वो तो लगता है कि बहुत ही जाहिल गवार और वो जिस तरह के लोगों के साथ आजकल अनपढ़ लोगों के साथ रह रहे हैं हो सकता है उसका भी असर। साथ में गठबंधन का मलाई खा रहे हैं तो इसमें मैं उनमें कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि राबड़ी देवी खुद एक महिला है, उनके घर में भी बेटी बहुआ है, अगर वो इस तरह का बयान को बचाव करती है तो उनको भी महिला होने के नाते उनको शर्म होनी चाहिए। इस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था तो मुझे नहीं लगता है कि वे सोच समझ के बोल रहे थे, उनका मानसिक दिवालियापन बिगड़ चुका है क्योंकि वो जो I.N.I ऐसा है वो बिखर गया है, टूट गया है, उससे बौखलाहट में उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया विधानसभा में और वो विधानसभा में ये समझाना चाह रहे थे कि महिलाओं की शिक्षा में सुधार से जनसंख्या नियंत्रण में कैसे फ़ायदा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके भाषा के इस्तेमाल को लेकर देश भर में बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया, इस बात की आलोचना दिल्ली महिला आयोग ने की भी और अब जो है झारखंड बीजेपी की महिला मोर्चा ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा निकाला, उनका पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं। बयान पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली आज, फिर क्यों विरोध है? जिस तरह का वो शब्द उन्होंने उपयोग किया खुले सेशन में वो माफ़ी मांगने के लायक नहीं है। इस तरह से महिलाओं का अपमान बिल्कुल हम नहीं सहेंगे और महिलाओं को जो अपमान करता है उसका सर्वनाश तय होता है और मुख्यमंत्री जी आप संवैधानिक पद में हो के खुले सेशन में आप जिस तरह से जिस शब्द को महिला सोच नहीं सकती उस शब्द को आप खुलेआम बोल रहे हैं, ये माफी का मांगने से भी वो छोटी हो जाएगी क्या? वो बिल्कुल नहीं होगी और भाजपा महिला मोर्चा ये सड़क से लेकर सदन तक इसका बहिष्कार करेगी और ऐसा मुख्यमंत्री का तो इस तरह का दायित्व में रहने का कहीं हक ही नहीं है, उनको कहीं हक नहीं है और इसका खुले हम लोग एकदम इतना शर्मिंदा है इस तरह के मुख्यमंत्री का जवाब से कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं है लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसा सीएम बिहार जैसे जगह पे इस महिला शक्तियों का विरोध करती है, महिला शक्ति को शर्मसार करती है, ऐसा छी है ऐसा मुख्यमंत्री पर। राजनीतिक दलों में ही एक धड़ा ऐसा है कि वो तो कहना चाह रहे थे कि महिलाएं जागरूक हुई हैं तो वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कैसे अपने पति को सलाह दे पाती हैं जो पहले नहीं कह पाती थी। सलाह देना या डॉक्टर का काउंसलिंग होना वो अलग बात होती है, मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि खुले सेशन में ये सलाह या काउंसलिंग नहीं है, ये सलाह देना डॉक्टर का काम है उनका नहीं है और मुख्यमंत्री जी को सोच समझ करके और अच्छी बातों को रखना चाहिए, वो इस तरह के खुले में ओछी बातें को नहीं रखना चाहिए और ऐसा बात उन्होंने कहकर भी किस मुँह से माफी मांगे ये बिल्कुल शर्मसार है और महिला इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। भाजपा महिला मोर्चा या सामाजिक सभी धर्म की महिलाएं सभी सामाजिक संगठन की महिलाओं का खुला विरोध है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि खुले विरोध में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही हैं सभी देश भर की महिलाएं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी उनके बयान का बचाव, अब वो साथ में गठबंधन का मलाई खा रहे हैं तो इसमें मैं उनमें कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि राबड़ी देवी खुद एक महिला है,
उनके घर में भी बेटी बहुआ है, अगर वो इस तरह का बयान को बचाव करती है तो उनको अभी महिला होने के नाते उनको शर्म होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है कि जिन्होंने महिलाओं के आरक्षण दिया और जो बिहार की सरकारी सेवाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, इसके अलावा जो एजुकेशन रेशियो है वो भी बढ़ा है, और कल भी जो वो कह रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा ये मानता है कि शायद भाषा जो है वो चुनाव सही नहीं था, पर वो यही कह रहे थे कि महिलाएं जागरूक हो रही है, तो फिर क्यों विरोध किया जा रहा है? लोगों को ये लगता है कि मामले को ज़्यादा तुल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे कि कोई चीज पर्दे के अंदर अच्छा लगता है, सारी चीज़ें मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ बातें होती है जो बंद कमरे में ही की जा सकती है। हम जानते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बेटा बहू हो या फिर पति पत्नी हो, बहुत सारी बातें अलग थलग की जाती है, और इस तरह की जो हम सदन में बात कर रहे हैं, एक सामाजिक लोगों के बीच में हमारा मैसेज आता है सेशन से, तो ये इसे गलत मैसेज आता है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने महिला विरोधी काम किया है, लेकिन उनकी सोच जो है, उनकी जो मानसिकता है, ये दर्शाती है कि इस तरह की कुछ बातें हैं जो सही तरीके से लोगों के बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि इसे जो हमारा जो पब्लिक है वो हमारा देखता है और उससे कुछ मैसेज गलत जाता है। हम लोग ऐसे मतलब ऐसी सोच को हम लोग विरोध करते हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के नहीं, ये सभी महिलाओं के लिए विरोध का जी ही चीज़ है, क्योंकि ये सार्वजनिक हो गया है, और सार्वजनिक चीज़ें जब आती हैं तो किसी के लिए सहनीय नहीं होता है। देखिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हाल ही में एक फिल्म आई ओ माई गॉड टू नाम की, अक्षय कुमार उस फिल्म में थे, पंकज त्रिपाठी थे, जिसमें ये कहा गया कि सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसके अलावा एक पैड मैन नाम की फिल्म आई थी जिसमें ये कहा कि मासिक धर्म के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि सालों से दबी छुपी रही चीज़ें और महिलाएं जो हैं बीमारियों का शिकार होती रहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही एक बात, और वो भी ये कह रहे थे कि महिलाएं जागरूक हुई हैं और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो अब पत्नियों को मतलब अपने पतियों को बता पा रही हैं, सलाह दे पा रही हैं, जो पहले उनके उनके अंदर बात नहीं थी, उनके नियंत्रण में नहीं थी। तो फिर लोगों को लग रहा है कि शायद भाषा के चयन को लेकर, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं कहा, बहुत लोग ऐसा मानते। ऐसा मेरा भी मानना है, मैंने भी देखा है ओ माय गॉड टूर, और मुझे भी लगा कि हम लोग अब जिस सदी में हम लोग बढ़ गए हैं, हमारा महिला ही है कि चांद को छू रही है, सूरज तक जा रही हैं, तो मेरे को लगता है कि सही चीज़ है, लेकिन सदन में हम वो बातें नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसको हमें सदन में लाने के लिए हमको रूल बनाने होंगे, इसको हमको स्कूल तक ले जाना होगा, कॉलेज तक ले जाना होगा, काउंसलिंग करना होगा, लेकिन अभी कुछ लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन भाषा का जो चयन ये सच में सही नहीं था, और उसके लिए हम लोग विरोध करें। भाषा का ही चयन से हम लोग को आपत्ति है, उनके सोच में उनकी मानसिकता जो है वो उसमें झलक रही है कि नहीं, मतलब कि बहुत तरीके वो बता सकते थे, बहुत उदाहरण वो दे सकते थे कि हमें किस तरह से पति पत्नी के बीच के संबंध हो या कुछ और भी ऐसे संबंध हो, उनको हम लोग किस तरह से अलग तरीके से बता सकते हैं, जो कि उतना ओपन नहीं बोलना चाहिए। अभी भी जो हम संस्कृति में रहते हैं, भारत जिसको हम लोग बोलते हैं, या संस्कृति या परम्परा को तवज्जो दिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग थोड़े से अलग तरीके से लोगों के बीच में लेके आते हैं। हम इसका विरोध नहीं कर सकते कि हम इन सब चीज़ों पर खुल के बात करें, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि शब्दों का चयन को लेकर के हम लोगों के सोच को थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा कि हम गलत लोगों पर मैसेज ना जाए, हमारी मानसिकता कुछ अलग ना सिद्ध हो जाए। मैम आ जाइए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कल ही मामले में संज्ञान ले लिया था, मुख्यमंत्री ने आज माफ़ी भी मांग ली, एक धड़ा ये भी कह रहा है कि जो उन्होंने बयान दिया उसका संदर्भ गलत हो सकता है, शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन संदर्भ गलत नहीं था, और अब जो विरोध हो रहा है वो केवल मामले को राजनीतिक तूल देने के लिए हो रहा है। जी, ये राजनीतिक मामला ही मात्र नहीं है, क्योंकि देश की
समस्त महिलाएं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही है, क्योंकि ये संवैधानिक पद में रहकर आप विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद, एक बार गलती हो सकती है लेकिन 6 घंटे के अंदर ही विधान परिषद में भी उसी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल पुनः दोहराते हैं नीतीश कुमार जी, तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अगर ऐसा है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, तो झारखंड के रांची में रीन पास एक पागलखाना है जो विश्व प्रसिद्ध है, और इस रीन पास में उनका समुचित इलाज का व्यवस्था है, और झारखंड की महिलाओं के साथ साथ देश की तमाम महिलाएं उनके इस पागलपन का इलाज करने के लिए तैयार है, वो झारखंड रीन पास में एडमिट हो जाए। ठीक है मैम, आपकी नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको लेकर दो फाड़ हो गया। एक कह रहा है कि उन्होंने जो कहा वो यही कह रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हुई हैं, जागरूक हुई हैं, और पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके हाथ में नहीं था कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन अब महिलाएं इस बारे में जागरूक है कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहती हैं और वो अपने पति को इस बारे में निर्देशित कर सकती हैं। शायद भाषा गलत हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा वो महिलाओं के तरफ की ही बात की उन्होंने। जो भी बातें रही हो, मैं मानती हूँ कि उनकी मंशा गलत नहीं रही हो, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री जैसे पद पर हैं तो आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, आपका एक एक लफ्ज इतिहास बन जाता है, तो हमें बोलने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, तो मुझे नहीं लगता है कि वे सोच समझ के बोल रहे थे। उनका मानसिक दिवालियापन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो जो I.N.I ऐसा है वो बिखर गया है, टूट गया है, उससे बौखलाहट में उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। शब्दों का गलत इस्तेमाल मैं मानती हूँ कि अचानक में निकल गया हो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, इस तरह के इशारे करके बात करना, ये शर्मनाक चीज है, ऐसे नहीं होने चाहिए था। उनका सलीका थोड़ा अलग होना चाहिए था, अगर वो अपनी बातों को रख रहे थे तो सलीके से, और इस तरह का जो आपस में पति पत्नी भी बातें करने में संकोच करते हैं, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, हमारी भारत देश एक संस्कृति और अनुशासन का देश रहा है, जहाँ पे हम ऐसी बातें करने में संकोच करते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी मंशा गलत नहीं। पर उन्होंने तो अब बिना शर्त माफी भी मांग ली, तो अब क्यों विरोध? अगर वो मांगी तो मांग तो यही थी कि माफी मांग ली। अगर वो सचमुच माफी मांगते हैं, ये माफी करने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके आंखों में शर्म है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, तब जाकर कहीं देश के महिलाओं को लगेगा कि नीतीश कुमार सचमुच में शर्मसार है और उन्होंने महिलाओं से माफी मांगने का काम किया है। उसका बस एक ही मांग है महिलाओं का कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, तभी माफी। शुक्रिया मैम, 2 मिनट बातचीत करेंगे। जब कल ये विधानमंडल में ये बयान आया, उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको संज्ञान में ले लिया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी माफ़ी की मांग की, और आज सुबह उन्होंने कहा कि मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ, मेरी मंशा गलत नहीं थी, अगर भावनाएं आहत है तो माफ़ी मांगता हूँ। तो अब जो विरोध हो रहा है, एक धड़े को ऐसा लगता है कि ये फिर मामले को केवल राजनीतिक टूल देने के लिए फिर विरोध हो रहा है। देखिए, ऐसी बिल्कुल नहीं है, और माफ़ी मांग लेने से ही जो उन्होंने एक तरह से महिलाओं का मानसिक बलात्कार किया है वह नहीं धुलेगा, उन्हें तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज पूरे देश की महिलाएं जिस तरह से शर्मसार हो रही हैं और जिस तरह से उन्होंने नंगा कर दिया है और इस तरह का भद्र, उन्होंने तो विधानसभा में इस तरह की बात करके खुली छूट दे दी है कि आप चौक चौराहा पर लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा गंदी बात करने का। और नीतीश कुमार जी की गंदी सोच महिलाओं की हमेशा से रही है, वह शुरू से ही महिलाओं के लिए गंदी सोच रखते हैं, और उनकी किस्से कहानियाँ भी बहुत मशहूर है उनका, महिलाओं के बारे में उनको शुरू से ही उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया है, और अब तो वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं ऐसा ही लगता है। और इसका यह भी कारण हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अपनी ज़बरदस्त हार देखते हुए वो बिल्कुल सठिया गए हैं और उनको अभी अपने बोली विचार पे कुछ भी संयम नहीं रहा। अगर उन्हें कुछ कहना ही था, अगर वो चाहते हैं कि लोगों को, अगर उनका ये मंशा था कि लोगों को फैमिली प्लानिंग सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना चाहिए, तो उनको मर्यादित ढंग से बोलना चाहिए था, उनको कंजुगल रिलेशंस बोल सकते थे, फैमिली प्लानिंग बोल सकते थे। और गलती से अगर किसी के मुँह से निकलता है तो एक शब्द निकलता है, गलती से इतना सारा पूरा
पैराग्राफ नहीं बोलता है, इसलिए यह गलती नहीं है, यह उनकी मानसिकता का वो दर्पण है कि वो दिख रहा है कि वो कितनी गंदी सोच महिलाओं के लिए रखते हैं। और महिलाएं एक भी आगे उनको वोट देने वाली नहीं है और इसका खामियाजा इनको भुगतना, उनके साथ पूरा इंडी ठग बंधन को भी भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिकता जो है शुरुआत से ही महिला विरोधी रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पहचान ऐसे व्यक्ति पर रही है जिन्होंने महिलाओं के लिए ही शराबबंदी लागू की, उनके ही शासनकाल में महिला लिटरेसी रेट बढ़ी, उनके ही नेतृत्व में उतने ही शासनकाल में जो 33% आरक्षण दिया उसमें सरकारी सेवाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ी, तो विरोधाभास लगता है थोड़ा। बिल्कुल नहीं, वो सब ग्रामीण महिलाओं और सीधी साधी महिलाओं को ठगने का यह सब तरीका है। जो शराब विरोधी जो ये लोग कानून लाए हैं और जिस तरह से बिहार में अवैध शराब चल रहा है, महिलाएं उनका इंतजार कर रही हैं गांव में कि वो जिस तरह से शराब विरोधी का नाटक कर करके और वैसा ही अत्याचार अभी तक उनके ऊपर हो रहा है, शोषण हो रहा है और रिजर्वेशन का झांसा दिखा करके और बिहार में दूसरे प्रदेश की महिलाओं को नौकरी मिलता है, वहाँ की लोकल महिलाओं को कहीं कुछ नहीं मिलता है। आप अभी थोड़े ही दिन पहले देख लीजिए, कल ही या परसों में आंगनबाड़ी सेविकाओं पे लाठी चार्ज और आंसू गैस छोड़े गए, इसलिए महिलाओं के प्रति उनका कभी नहीं सम्मान है हुआ है। और उनके यह बात सर्वविदित है, यह सर्वविदित है और ये सब रिजर्वेशन, ये सारा शराबबंदी, ये ढोंग उनकी महिलाएं जान चुकी हैं। और उसी ग्रामीण इलाके के महिलाएं अभी भी जितनी प्रताड़ित हो रही हैं वो बस इंतज़ार कर रही हैं आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को उनको दिखा देगी रास्ता। ये जो बहस शुरू हुई है नीतीश कुमार के बयान से, उसमें दो धड़ा है। एक धड़ा ये कह रहा है कि जैसे आपने भी अभी बयान में कहा कि नीतीश कुमार ने ये कहा, इसके बाद इस तरह की चर्चा, इस तरह के शब्द जो हैं वो खुलेआम हो जाएंगे, लोग चौक चौराहों पर चर्चा करने लगेंगे। अब वेब सीरीज बन रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, उसमें बेधड़क गालियों का इस्तेमाल हो रहा है, सीन्स दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद एक धड़ा ये भी कहता है कि हाल में एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड 2 नाम की, जिसमें ये कहा गया कि सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, बाकायदा स्कूलों को पढ़ाना चाहिए ताकि जो गलत तरीके से हो रहा है, लोग बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, वो उनको अगर बताया जाएगा तो वो शायद उस चीज़ से बच पाएंगे, माँ बाप बात कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शायद शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा वो महिलाओं के तरफ से ही कहा कि महिलाएं पहले जिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहले उनके हक में नहीं था, महिलाएं नहीं नियंत्रित कर पाती थी कि उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं, पर वो अब निर्देशित कर रही हैं अपने पतियों को कि नहीं बच्चे नहीं उनके कहने का लगता है लोगों को कि ये मतलब था। देखिए ऐसा है, यह ओ माई गॉड पिक्चर्स से जो इतना ज़्यादा प्रेरित हो गए, लगता है कि वो एक बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, एकदम अनपढ़ और एकदम इलिटरेट पर्संस है। ये कहना आजकल यह समझना, ये हर किसी को जानना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन, इसके लिए पिक्चर में अच्छा संदेश दिया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरह से गंदी भाषा में नहीं। वही तो मैंने आपको पहले भी कहा, फैमिली प्लानिंग और वो रिलेशनशिप की भी बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप का कंजुगल रिलेशनशिप उसको बोला जा सकता था। इस तरह से खुल्लम खुल्ला, अभी भारत की संस्कृति ऐसा नहीं है कि इस तरह से खुल्लम खुल्ला। फिर तो जो गाली दी जाती है, गाली जो गंदी गंदी गाली दी जाती है, उसमें और इस तरह की भाषा में कोई अंतर नहीं रह गया है। और उसको ढंग तरीके से, उसको मर्यादित ढंग से भी बोला जा सकता था, बताया जा सकता था। इस तरह से तो उन्होंने इस तरह की भाषा करके वो समझाने, वो चुटकी ले रहे हैं, उनका आशय ही चुटकी ने लेने वाला है, उनका समझाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह की तो मानसिक विकृति उनकी है ही है। अब महिलाओं के बारे में भद्दे कमेंट्स करना और महिलाओं के बारे में भद्दी सोच रखना, उनकी शुरुआत की कहानियां में भी सब कोई जानते हैं। इस मामले में अब महिलाओं से कभी कुछ छुपा नहीं है और ये बुढ़ापे में इस तरह की बात करना उनकी गंदी सोच को दर्शाती है, जिसको कि आने वाले चुनाव में उनके पूरे गठबंधन को, और कहीं भी 51% महिलाएं हैं और महिलाएं ही आजकल निर्णय करती हैं सत्ता का, और ये इस चुनाव में इस पूरे ठगबंधन को महिलाएं रास्ता दिखा देंगी कि उनका नेता इतनी गंदी सोच वाला है, महिलाओं के लिए इतनी गंदी बात कहता है, तो उसको हम लोग को सबक सिखाना चाहिए।
माफी की मांग थी, माफी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मांग ली, अब क्या चाहती हैं आप? माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना, और इस्तीफा देना भी उनकी जो जिन्होंने वो अपराध किया है वो माफी उनके लिए है ही नहीं। इस्तीफा देने उनको बस यह पूरी देश की महिलाओं को निश्चित करना होगा कि इस तरह से गंदे लोगों को और इस तरह के राजनीति से बाहर फेंकना है। इसके लिए हम लोगों को मिलकर के आवाज़ उठानी होगी। और इस तरह से उनका लगता ही नहीं है कि NIT में उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, वो इंजीनियर तो लगते ही नहीं है, वो कहीं से भी पढ़े लिखे वाला उनका व्यवहार ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे इंसान जैसा उनका व्यवहार ही नहीं है। वो तो लगता है कि बहुत ही जाहिल गवार, और वो जिस तरह के लोगों के साथ आजकल अनपढ़ लोगों के साथ रह रहे हैं, हो सकता है उसका भी असर हो। नहीं तो, कहने के लिए तो इंजीनियर है, लेकिन कहीं से मुझे इंजीनियर नहीं लगता है, क्योंकि 10th क्लास तक तो बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन 10th क्लास तक तो बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। तो महिला मोर्चा की ये मेंबर्स थीं, और ये लोग जो हैं ये मांग कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया और उस बयान में जिस शब्द का, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो गलत था, लेकिन एक धड़ा मानता है कि उन्होंने जो कहा उसमें भी कुछ भी गलत नहीं था। नीतीश कुमार माफ़ी मांग चुके हैं और इस पर बहस जो है तेज हो गई है और आगे भी जारी रहेगी, और भारतीय समाज में ये बहस आगे भी जारी रहेगा कि आखिर सेक्स एजुकेशन या जनसंख्या नियंत्रण या इस तरह की जो बातें हैं उस पर किस भाषा में और किस हद तक खुली बहस और खुली चर्चा की जा सकती है। हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।